नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह इस गठबंधन का संयोजक नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है और वह सबको एकजुट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि वह चाहेंगे कि किसी और को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। नीतीश कुमार के इस बयान पर तंज कसते हुए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि विपक्ष को एकजुट वह कर सकता है जिसकी पार्टी मजबूत हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद अपने राज्य में कमजोर हैं, ऐसे में वह क्या राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करेंगे। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो है, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 विधायक है और 16 एमपी है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। जहां तक मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी खबरों की बात है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी। सोनिया गांधी बेंगलुरु की बैठक में भी शामिल हुई थी, हालांकि वह गठबंधन की पहली बैठक जो कि पटना में हुई थी वहां नहीं गई थी। बताया जा रहा है कि मुंबई में होने वाली बैठक में बीजेपी चले जाओ का नारा दिया जाएगा। इस बैठक में विपक्ष के गठबंधन इंडिया का लोगो भी जारी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि बीजेपी विरोधी गठबंधन के प्रमुख नेता 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के उपनगर में एक आलिशान होटल में जुटेंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया में 26 दल शामिल हैं। पटना में जून में पहली बार एक साझा मंच पर एकत्र होने के बाद से विपक्षी दलों की यह तीसरी बैठक होगी। मुंबई में आयोजित होने वाली बैठक में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री समेत अन्य लोग शामिल होंगे। बैठक के दौरान गठबंधन का आधिकारिक लोगो जारी किया जाएगा और विपक्षी दलों के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने एजेंडा पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महात्मा गांधी ने 1942 में मुंबई से अंग्रेजों को चले जाओ यानी भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसी तरह मुंबई में इंडिया की बैठक में मोदी सरकार के लिए नारा चले जाओ, बीजेपी चले जाओ दिया जाएगा। पटोले ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कई सक्षम उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी के पास शीर्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। हम आपको यह भी बता दें कि बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस आशंका पर भी चर्चा होगी जिसके तहत उन्होंने देश में समय से पूर्व लोकसभा चुनाव कराए जाने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी इस साल दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। ममता ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने पहले ही सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि अन्य राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकें। हम आपको यह बता दें कि ममता बनर्जी की इस आशंका को आज नीतीश कुमार का भी समर्थन मिल गया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। हम तो जा रहे हैं, आपको कल कही थी है ना, हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। हम तो कल भी कह दिए, एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तब पता चलेगा। पहले कहना ठीक नहीं है, जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे तो ये सब तो होने वाला। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।